नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नौकरी के लिए। तो बता दी मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, पहला वीडियो डाल चुकी हूँ क्योंकि वो वीडियो बड़ा हो जाता, तो चलिए ये दूसरे वीडियो में बता देती हूँ कि मैं कहाँ की हूँ, मेरा ससुराल कहाँ है, मेरा मायके कहाँ है। आप लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरी बहनें, वो भी आज मैं बता देती हूँ क्योंकि जो भी प्रॉमिस की थी आप लोगों से, वादा की थी, उस वादा को कोशिश कर रही हूँ कि बता दूँ आप लोगों के साथ। देखिए आप लोग सोचेंगे कि दीदी नहीं बता रही है, देखिए मैं कितना जल्दी बता रही हूँ, अभी मेरा 2 दिन पहले ही मिलियन हुआ है और देखिए इतना जल्दी मैं बता दी। यूट्यूब प्ले बटन का भी मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो वादा करती हूँ उसको निभाऊँ जरूर। तो आपको बता दूँ कि देखिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी आपका मायके कहाँ है और ससुराल कहाँ है, तो चलिए आज ये भी रिवील कर देती हूँ कि कहाँ पे है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोगों ने मुझे मिलियन तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और बाकी तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है थैंक यू बोलने के सिवा, धन्यवाद बोलने के सिवा और क्या बोल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बता ही चुकी हूँ कि 2005 में मेरी शादी हुई थी और मैं कहाँ की हूँ। तो देखिए जहाँ लड़कियों की शादी होती है तो सरनेम भी बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ समझा देती हूँ, और जहाँ ससुराल रहता है पहले तो वही बताया जाता है ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती थी कि मेरा ससुराल जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से हम लोग हैं। ठीक है, आप लोग पूछते थे कि दीदी आप कहाँ की हैं कहाँ की हैं, तो देखिए मैं कंफ्यूज हो जाती थी खुद ही कि मैं क्या बताऊँ, कहाँ की बताऊँ, ससुराल का बताऊँ कि मायके से बताऊँ, समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोगों का प्रश्न आया कि ससुराल कहाँ है और मायके कहाँ है, दीदी दोनों का अलग अलग बताइए, तो चलिए आपका भी हक है मेरे बारे में जानने का, तो जरूर बताऊंगी। तो शादी तो मेरी देवरिया जिले में हुई है, भटनी के पास, आप लोगों को मालूम है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और गाँव अभी नहीं बताऊंगी कहीं, क्योंकि गाँव के लोगों को कहीं अच्छा लगे ना लगे, तो देवरिया जिला है हमारा भटनी के पास, जो लोग उधर के होंगे उनको मालूम होगा। तो ससुराल मेरा यूपी में है और मायके का आपको बता दूं तो देखिए कुछ लोग तो गेस कर चुके हैं कि दीदी आपका मायके यहाँ है वहाँ है, बहुत दिनों से आप लोग बोल रही थी। अभी मैं मायके गई थी तो बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डाली थी बगीचे का, आम का, तो आप लोगों ने बहुत अधिक मतलब प्यारा प्यारा, इतने प्यारे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं ना, दिल को एकदम छू लेते हैं, तो इतने अच्छे से आप लोगों ने कमेंट्स लिखा था। और आप लोग कुछ लोग तो गेस कर चुके हैं क्योंकि देखिए अगर मुझे छुपाना रहता तो जहाँ के हम रहते हैं ना और वहाँ के लैंडमार्क या कोई टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, या कोई ब्रिज हो गया, या कोई मार्केट हो गया, कोई दुकान हो गया, अगर आप दिखाते हैं तो लोगों को पता चल ही जाता है कि आप कहाँ के हैं। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप नहीं दिखाते हैं। लेकिन मुझे तो छुपाना नहीं था, केवल मेरा एक ही सपना था कि जब मिलियन होगा तभी मैं अपने बारे में बताऊँगी। तो ससुराल बता दी कि यूपी में है, देवरिया से हम लोग हैं, और मायके जो है मेरा बिहार में है, मायके मेरा बिहार में है। और कुछ लोग तो गेस कर ही चुके हैं कि दीदी आपका मायके बिहार में है, आपका कल्चर मिलता है, आपका पूजा पाठ मिलता है। लेकिन मैं बताती नहीं थी कि क्यों बताऊं, मायके से अब क्या लेना देना, जब लड़की की शादी हो जाती है तो सरनेम बदल गया, गांव बदल गया, राज्य बदल गया, तो इसलिए मैं यूपी कहती थी। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि दीदी यूपी क्यों कहती थी, तो इसलिए कहती थी कि मेरे हस्बैंड का जब वही गाँव है तो मेरा भी तो वही हुआ। और ऐसे मेरा मायके अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मायके मेरा जो है बिहार की मैं हूँ, और बिहार में किस जिले की हूँ वो भी आपको बता रही हूँ, तो मैं सिवान जिले की हूँ। ठीक है, मैं सिवान की हूँ। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी आप, कुछ लोग गेस कर लिए थे, दुर्गा जी का मैं फोटो डाली थी मंदिर का, तो ये कचहरी की दुर्गा जी हैं, तो ये बुढ़िया माई हैं, एक दुर्गा जी हैं उनको बुढ़िया माई, बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया था। तो मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ, और जो लोग भी सिवान से हैं आशा करती हूँ कि वो लोग अब मुझे पहचान जाएंगे। ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स कहीं जाती हूँ तो मिल जाते हैं,
और बहुत प्यार देते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि मैं कहाँ इनको बैठाऊँ, कहाँ उठाऊँ, मतलब इतनी खुश होते हैं ना, इतनी प्रसन्न होते हैं। तो और नंबर वगैरह आप लोग मांगते हैं, तो देखिए सोशल मीडिया पे अभी मुझे नंबर देना मतलब अच्छा नहीं लगता और अलाउ भी नहीं है मुझे, तो इसलिए नहीं देती हूँ। लेकिन आप लोगों से मीटअप जल्दी करूँगी और जब भी सिवान आऊँगी कोशिश करूँगी जो भी मेरी सिवान की बहनें हैं बिहार की उनसे ज़रूर मिलूँगी, और जो भी सिवान के लोग हैं आशा करती हूँ कि बहुत अधिक प्रसन्न होंगे जान कर कि मैं सिवान की हूँ बिहार की हूँ। ठीक है, तो अभी दोनों चीज़ बता दी, हस्बैंड के बारे में बता दी कि हस्बैंड मेरे नेवी में थे, पिछले वीडियो में बता दी हूँ कि हस्बैंड मेरे पहले नेवी में नौकरी करते थे इंडियन नेवी में, और अभी जो है एज ए ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। दोनों चीज़ बता दी इस वीडियो में, और पहला वीडियो आप लोग देखिएगा पूरे डिटेल अपने जीवन की कहानी बता चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि मेरा ससुराल कहाँ है, देवरिया जिला, और मेरा जो है जैसे मायके कहाँ है तो बिहार के सिवान जिले से हूँ। तो दोनों राज्य से और जिलों से लोग बहुत अधिक प्रसन्न होंगे अगर मतलब उनके गांव जो भी मेरे गांव से बिलोंग करते होंगे मेरे राज्य से, तो बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। और जब कभी भी वहां आऊँगी आप लोगों से मिलने की कोशिश करूँगी, और इतना बड़ा मेरा मनोकामना जो है आप लोगों ने पूर्ण किया है और मिलियन सब्सक्राइबर्स हुआ है, तो मैं थावे भी जरूर जाऊँगी। आप लोग को मालूम ही है थावे की जो माता है सिवान में गोपालगंज मतलब होते हुए हम जाते हैं, जो लोग उधर के होंगे वो तो जानते होंगे। तो मैं माता का दर्शन करने भी जाऊंगी और कचहरी के दुर्गा जी के पास भी जाऊंगी, और जब कभी भी मायके या ससुराल आऊंगी आप लोगों से जरूर मिलूंगी। ठीक है, और अभी मैं कोलकाता में रहती हूँ, आप लोग को मालूम ही है यहाँ ट्रांसफ़र आए हुए हैं हम लोग, और अपना फ्लैट ली हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी ये आपका अपना फ्लैट है या रेंट पे रहती हैं, तो जी नहीं, ये मेरा अपना फ्लैट है। यहाँ पर गृह प्रवेश का भी मैं वीडियो डाली हूँ, और यहीं पे YouTube का जो भी आप मेरा जर्नी है, और आगे आप लोग YouTube के मतलब पूरा जर्नी आप लोग पूछे हैं कितना साल हुआ, कैसे हुआ दीदी, कौन कौन से कंटेंट हमें डालने चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ कि अभी मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।